आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का प्रश्न है, चक्रवर्ती ब्याज पर किसी राशि को ब्याज 3 साल में 4,630.08 रुपए होगा। यदि ब्याज की राशि पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। हमारे दिए हुए विकल्प है, पहला है 4,500, दूसरा है 4,800, तीसरा है 4,000 और चौथा है 3,500। तो हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है ए बराबर 4,630.08। हमें पहले वर्ष के लिए आर हमें कितना दिया हुआ है, 4% और 5% और 6% दिया हुआ है। हमें क्या क्या करना है, हमें निकालना है हमारा पी क्या होगा। तो अब हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है पी एक धन आर बटे 100 की घात में t। इससे हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 4,630.08 बराबर में पी एक धन 4/100, फिर एक धन 5/100, फिर हम लिख सकते हैं एक धन 6/100। इसे हम हल करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4,630.08 बराबर, यहाँ से 4 × 4=25, यहाँ पे 5 × 5=20 और यहाँ पे 3 और 50 बार में कटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी 26/25, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21/20 और यहाँ से हम लिख सकते हैं 53/50। अब हम इसे हल करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 4,030.08 × 25 × 20 × 50 हमें क्या प्राप्त होगा, 26 × 21 × 53 बराबर में हमारा है पी। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 4,000 बराबर में पी। तो अब हम देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो हम कह सकते हैं विकल्प 3 पूरी तरीके से सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।